जनता को कोरोना जैसी बीमारी से बचने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान में 21 दिन का लॉकडाउन लगा रखा है, जिसके चलते इस लॉकडाउन की मार किसानों को झेलनी पड़ रही है। किसानों की गेहूं की फसल इस लॉकडाउन के चलते खेतों में से उठनी मुश्किल लग रही है, जिससे गेहूं की फसल खेत में ही सभी किसान बर्बाद होने की चिंता जता रहे हैं। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के सभी नगर कस्बे जनपदों में कोरोना वायरस जैसी घातक बीमारी को मात देने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस जैसी घातक बीमारी से बचने के लिए लॉकडाउन लगा रखा है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन, जिलाधिकारी और SSP ने अलर्ट पर रखा है, जिसमें लॉकडाउन की मार किसानों को झेलनी पड़ रही है और किसान बेबसी के आंसू रोने को मजबूर है। साल में एक बार लगने वाली गेहूं की फसल पककर तैयार खड़ी हो गई है, लेकिन लॉकडाउन के चलते और पुलिस प्रशासन अलर्ट होने की वजह से कोई भी किसान या मजदूर खड़े गेहूं की फसल को काटने के लिए खेत पर नहीं पहुंच रहा है और गेहूं की फसल नहीं उठा पा रहा है, जिसमें गेहूं की खड़ी फसल में आगजनी का भी खतरा बना हुआ है, जिससे यह किसानों की गेहूं की फसल खेत में ही चूने को मजबूर है और बर्बाद होने की कगार पर चल रही है, जिसमें कुछ किसान पुलिस के डर से चोरी छिपे अपनी गेहूं की फसल काट रहे हैं, लेकिन काट रहे किसान मुंह से मास्क लगाकर और 1 मीटर की दूरी बनाकर गेहूं की फसल काट रहे हैं, लेकिन उनके मन में पुलिस का भय बना बैठा हुआ है और किसान सुबह शाम पुलिस के डर और लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर चोरी छुपे गेहूं की फसल सुबह दोपहर शाम काट रहे हैं, जिसमें सभी मुरादाबाद के किसानों ने केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और मुरादाबाद प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। कहा है कि किसानों की फसलों के लिए अनुमति दी जाए, यदि अगर किसानों को अनुमति नहीं दी जाती है तो किसान भुखमरे की कगार पर आ जाएंगे और किसानों की खड़ी गेहूं की अनेक फसलें बर्बाद हो जाएंगी, जिसमें अब देखना होगा कि केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार व मुरादाबाद प्रशासन किसानों के लिए क्या सुविधा नियम लागू करता है, या फिर यूं ही मुरादाबाद जनपद के सभी किसान मजदूर गेहूं की फसल को ना उठने को लेकर चिंताजनक बने रहेंगे, या फिर जल्द ही इस पर सरकार और प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जाएगा। मुरादाबाद से संवाददाता बाजिद अली की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देखिए नूर हसन है और मैं थाना मुंडा पांडे गाँव रामपुर भीला का रहने वाला हूँ। और जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर बुलाया है किसानों की समस्या को लेकर के, यहाँ देख सकते हैं आपके हमें जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस समय, क्योंकि यहाँ पर गेहूँ काटने की जो फसल को लेकर के हमारी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं और उसके बावजूद हमें जो है यहाँ पर मज़दूर नहीं मिल पा रहा है गेहूँ काटने के लिए। मज़दूर इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि यहाँ जो है पुलिस का काफ़ी डर बना हुआ है और जो लोग हमें 200-300 रुपए में गेहूं काटने के लिए मिल जाया करते थे, वो इस बार 500-600 रुपए में भी नहीं मिल रहे हैं। इसका कारण ये है सिर्फ कि यहाँ पर जो पुलिस का काफ़ी भय बना हुआ है, डर बना हुआ है। पुलिस किसी भी तरह से जो घर से निकलने नहीं दे रही है, अगर घर से निकल के गेहूँ काटने के लिए जाते हैं तो पुलिस जो है लाठीचार्ज करती है और मारती है। और जैसे कि आपका कितने बीघे खेत हैं? देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मेरा खेत जो है 20 बीघा का खेत है और आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे खेत में केवल एक मजदूर काम कर रहा है। सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें इस खेत को लेकर के मैं एक दिन में उठा लिया करता था, लेकिन इस साल 5 दिन से मैं इस खेत को कटवा रहा हूँ। मुसलसल 5 दिन से यहाँ लोग, एक आदमी दो आदमी मेरा काम कर रहा है, उसके बावजूद भी खेत नहीं कट पा रहा और मैं यहाँ चौराहे पर खड़ा होता हूँ इसलिए ताकि पुलिस की गाड़ी नहीं आ जाए। पुलिस की गाड़ी आए तो मैं अपने जो खेत में काम करने वाले मेरे मजदूर हैं उनको भगा देता हूँ मैं तुरंत। क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से और मुरादाबाद के प्रशासन से? देखिए, मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि लॉकडाउन को लेकर के काफ़ी अच्छी सोच है नरेंद्र मोदी जी की। जैसे कि और देशों में कोरोना जैसी घातक बीमारी ने अपने पैर फंसा लिए हैं, हमारे देश में भी फंसा चुकी है ये कोरोना जैसी बीमारी, लेकिन इसको चलते हुए नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा फैसला ले लिया और बहुत पहले फैसला ले लिया, तो मैं नरेंद्र मोदी जी का इसमें शुक्रगुजार हूँ और बहुत ही अच्छा शुक्रगुजार हूँ। और मैं मुरादाबाद के प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो किसान भाई हैं, मजदूर हैं, उनको देखते हुए उनकी किसान भाइयों की फसल को उठाने दिया जाए, उन्हें परेशान ना किया जाए और जिस तरह से हो सके, मेरी ये गुजारिश है यहाँ के प्रशासन से कि मजदूरों को लेकर के किसी भी तरह का पुलिस लाठी डंडा चार्ज ना करे। खेत में काम करने वाले के मजदूरों को उनके घर में राशन पानी आने के लिए वो लोग गेहूं काटने हम लोगों के आते हैं, समस्या बहुत बड़ी है। अगर पूरी चैन लगाई जाएगी तो कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में राशन नहीं मिल पाता है, इसलिए वो लोग गेहूँ काटने के लिए आते हैं, उसमें डर के भाग जाते हैं।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिश कुमार सिंह है, मैं सरकड़ा खास से रहने वाला हूँ। बिश कुमार जी, ये बताइए, जैसे कि देश में कोरोना वायरस बुरी तरह पैर पसार चुका है, किसानों की फसल पकी हुई है, किसान फसल को नहीं उठा रहे हैं, पुलिस प्रशासन उन पे लाठी चार्ज कर रहा है, किस तरीके का माहौल बना हुआ है, कैसे किसान फसल को उठा रहे हैं? बहुत डर का माहौल बना हुआ है। हमारे पीएम प्रधानमंत्री जी ने जो कोरोना वायरस से एक साथ लड़ने का जो निर्णय लिया है वो सही लिया है, लेकिन इस टाइम गेहूं की फसल तैयार खड़ी है। किसान अगर गेहूं नहीं काटेगा तो उसकी 6 महीने की कमाई है, वो क्या खाएगा पिएगा? पुलिस के डर की वजह से बेचारा आता है काटने, एक जना देखता है पुलिस इधर उधर से ना आ जाए, ताकि वो भाग जाते हैं काटने वाले लोग। इसलिए जो है मतलब पुलिस प्रशासन को ये इतना सख्ती नहीं करनी चाहिए। और पीएम मोदी जी से मेरी मतलब रिक्वेस्ट है, सिफारिश है कि वो थोड़ा किसानों को टाइम दें या फिर उन्हें अनुमति दें जो अपनी फसल उठा सकें। कितनी बीघे ज़मीन है आपकी? ज़मीन है ये 4 बीघे ज़मीन है, इसमें गेहूँ तैयार खड़ा है। तो जैसे कि हर साल आप मजदूरों से उठवाया करते थे, आप हाथ से उठा रहे हैं, कैसे उठा रहे हैं? हाँ, कुछ हाथ खुद भी लगना पड़ रहा है, मजदूर भी आने सार कसा रहे हैं, क्योंकि पिटने की डर की वजह से वो आना नहीं चाहते, पुलिस की डर की वजह से। जी, क्या नाम है आपका? महबूब अली। महबूब भाई, जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान को लॉकडाउन किया गया है, किसानों की फसलें बिल्कुल तैयार हैं, किस तरीके से किसान मैनेज कर पा रहे हैं, काट पा रहे हैं फसल को? देखिए, जिस तरीके से आपने देखा है कि 25 तारीख से लॉकडाउन पूरे देश के अंदर चल रहा है, और किसानों की अगर हम बात करें तो किसान अभी सही तरीके से अपनी फसल को नहीं काट पा रहे हैं, क्योंकि फसल तैयार है लेकिन उनके अंदर जो एक भय का माहौल है, जो एक महामारी को लेकर पूरे देश के अंदर चल रहा है, और हमारे देश के अंदर धारा 144 लागू की गई है, और लगातार जो हमारी पुलिस है वो क्षेत्र के अंदर घूम रही है, तो किसानों के अंदर अभी डर का माहौल है, और किसान उस तरीके से अभी अपने खेतों पर और अभी अपनी कटाई नहीं कर पा रहा है जिस तरीके से देख रहे हैं। हम तैयार है लेकिन किसान, जिस तरीके से पिछले साल हमने देखा कि इस समय लगभग अधिकतर खेत कट चुके थे और ये काम ख़त्म हो चुका था, लेकिन आज के हालात ये हैं कि ये अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, क्योंकि किसानों के अंदर अभी डर का माहौल है, और माहौल इसलिए है कि कहीं ना कहीं उनसे कानून का उल्लंघन ना हो जाए, और जब कानून का उल्लंघन हो रहा है तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा, तो ये उनके अंदर अभी डर का माहौल है। महबूब भाई, जैसे कि पुलिस प्रशासन अलर्ट है, किसानों को फसलें भी उठानी ज़रूरी हैं, किस तरीके की प्रशासन से मांग करेंगे और केंद्र की मोदी सरकार से मांग करेंगे किसानों के हित के लिए? देखिए, मैं केंद्र सरकार से ख़ासतौर से मांग करना चाहूँगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि जो 14 तारीख तक का हमारा लॉकडाउन पूरे देश के अंदर था, लेकिन कल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देश के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की, तो उसमें सभी लोगों की राय ये बनी कि इस लॉकडाउन को 30 तारीख तक बढ़ा दिया जाए, और कई राज्यों ने बढ़ा भी दिया है। तो मेरी मांग यही है, क्योंकि हम लोगों को अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, और जो महामारी देश के अंदर चल रही है कोरोना के नाम से, उसको भी देखते हुए, तो मैं यही अपील करना चाहूँगा कि मैं ये नहीं चाहूँगा कि पूरा लॉकडाउन खोल दिया जाए, लेकिन मैं यही अपील करना चाहूँगा केंद्र सरकार से कि ख़ासतौर से जो हिंदुस्तान के किसान हैं उनका ख्याल रखते हुए उनको कुछ छूट देनी चाहिए, कुछ शर्तों के आधार पर छूट देनी चाहिए, ताकि जो हिंदुस्तान का किसान है वो अपनी फसल को उठा सके, क्योंकि उसको ज़्यादा नहीं लेकिन 10-15 दिन का समय लगेगा जो अपनी फसल को वो पूरी तरीके से उठा पाएगा। तो मेरी यही मांग है केंद्र सरकार से कि इस लॉकडाउन को केवल जो किसान हैं उनको कई शर्तों पर छूट दे दी जाए, क्योंकि उनको बता दिया जाए, और प्रशासन उनकी किसानों की मदद करें, और प्रशासन को किसानों के बीच में आकर उनको समझाना चाहिए कि आपको किस तरीके से अपनी फसल को काटना है, क्योंकि एक दूरी जो हमें लगभग 1 मीटर की जो हमारे स्वास्थ्य विभाग हमको बताता है, क्योंकि हमें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, तो 1-1 मीटर की दूरी रखकर हमको अपनी फसल काटनी चाहिए। क्या मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है जो लोग किसान? नहीं, बिल्कुल, मैंने देखा है अधिकतर अगर उनके पास मास्क भी नहीं है तो उनके पास जो गमछा है या रुमाल है तो वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अधिकतर मैंने देखा है कि लोग ज़्यादातर इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसानों के पास, कोई भी किसान हो तो रुमाल और गमछा हमेशा उसके पास रहता है, तो उसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। जो क्षेत्रीय आपकी पुलिस है, प्रशासन है, वो किसान पर लाठी चार्ज कर रहा है,
तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये सरासर गलत है। आपको उनके बीच में आकर समझाना चाहिए। और लगातार कुछ शिकायतें क्षेत्र के अंदर ये भी मिल रही थी कि कुछ प्राइवेट लोग पुलिस के साथ में आते हैं। इस चीज़ की शिकायत कुछ लोगों ने की, हम लोगों ने भी की। अगर आपको आना है तो सब लोग आप यूनिफॉर्म के अंदर आइएगा। और जो प्राइवेट लोग आते थे, कहीं ना कहीं कुछ शिकायतें ऐसी मिली कि अगर कोई दूध लेने जा रहा है या सब्जी लेने जा रहा है, उससे पूछा नहीं और पीछे से उसके डंडा मार दिया। तो हम चाहते हैं पुलिस आए, लोगों के बीच में आए, उनको जागरूक करे, लेकिन यूनिफॉर्म के अंदर आए और बेवजह किसी को ना मारे, उसकी पहले पूरी बात समझे। कोई मजबूर अगर कहीं जा रहा है तो उसको भी नहीं मारना चाहिए। तो किसानों के अंदर भी खास तौर से एक प्रशासन को लेकर भय है, क्योंकि लगातार कुछ घटनाएं ऐसे हो गई थी कि लोगों में झड़प हो गई, मारपीट हो गई पुलिस के बीच में। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, हमारा तालमेल भी प्रशासन के साथ में होना चाहिए। तो मैं यही मांग करना चाहूँगा कि प्रशासन के लोग भी किसानों के बीच में आए, उनको समझाएं कि जो आपको अपनी सुविधा के लिए क्या क्या करना है, क्या करना चाहिए। तो एक डर का जो माहौल है किसानों के बीच में, वो निकल जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.